हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाला गया है, और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जो है बहुत बड़ी खुशखबरी का जो है ये अपडेट आया है। आप देख सकते हैं, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 मुख्य का जो है आवश्यक सूचना प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम, यानी कैंडिडेट का जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। एक तरह से कहा जाए तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर उनका जो जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, तो एक तरह से आप समझिए कि उनका उनका ज्वाइनिंग निश्चित है। तो यहाँ देखते हैं कि आप देख सकते हैं, यहाँ जो है दिनांक 18/9/2018 से 1/10/2018 तक जो है दो पालियों में होगी यह जो है आपका प्रमाण पत्रों का सत्यापन। आगे प्रथम पाली पूर्वाहन जो है 10:30 से लेके 1 बजे तक होगी, और दूसरी पाली जो है आपका 2:30 से 5:30 तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थी जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल में निश्चित रूप से पहुंचे, ये भी बता दिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एक एक स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। यानी आपको सभी मूल प्रमाण पत्रों की एक एक छाया प्रति जो है लेकर जाना है, और यहाँ ये भी बताया गया कि उस पर जो है आप स्व हस्ताक्षरित प्रति होना चाहिए वो, और हाल का खींचा गया दो पासपोर्ट जो है आकार का रंगीन फोटो होना चाहिए। जांच में उपस्थित नहीं होने अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा, तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने का आयोग निर्णय ले सकता है। जांच हेतु वांछनीय प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है। आपको क्या क्या वहां जांच में ले जाना है, तो मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल प्रति, पद की अपेक्षा के अनुरूप इंटरमीडिएट स्नातक बीएड परीक्षा उत्तीर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी आपका मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र इंटर जो है स्नातक वाला होना चाहिए और बीएड वाला जो भी है। और यह भी बताया गया कि कोई अभ्यर्थी यदि किसी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को धारित करता है तो वो भी आप ले जा सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए जो है यहाँ आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगला है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 तथा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के लिए दिनांक 31/3/2013 के पश्चात जो है आपका उसके बाद का जो है आपका जाति निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमंडल अधिकारी के स्तर से जो है ये निर्गत होना चाहिए, यानी कम से कम आपका उपायुक्त स्तर का होना चाहिए या फिर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा ये निर्गत होना चाहिए। ये जो अंचल लेवल का ब्लॉक लेवल का वो जाति निवासी जो है इसमें नहीं मांगा गया है। तो आगे आप देख सकते हैं, ये है अभ्यर्थियों का जो है जो रोल नंबर, और इसमें बताया गया है कि 18 तारीख को जो है किसका किसका जो है वेरिफिकेशन होगा। यहाँ आप टाइम देख सकते हैं 10:30 से लेके 1 बजे तक, और इस तरह 18 तारीख से लेके जो है ये बिल्कुल 1 तारीख तक चलेगा। और अभी जो ये रिजर्व जो है जारी किया गया है शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर, वो जो है आपका संथाल परगना के सभी जिलों, यानी जो है इसमें दुमका, गोड्डा, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा शामिल है। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है जो इन सभी जगहों से हाई स्कूल टीचर के लिए एग्जाम दिए थे और जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन अभ्यर्थी के लिए जिन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली जो है लगभग 1 साल यानी कुछ कम यानी 10 महीना बाद जो है इस रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। तो जो है बहुत खुशी वाली बात है ये, और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो तो खैर बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जो है इतना दिनों बाद रिजल्ट आया है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, और वो मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी केमिस्ट्री है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है मेरा जॉब था और हम जॉब पर थे, पर जो है इस जॉब के लिए भी अप्लाई किए थे और फाइनली जो है इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, और हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी
मेहनत कीजिए और मेहनत करते हैं तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जॉब से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सवाल हो तो वो कमेंट में आप पूछें। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।